गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। यार अभी सुबह का बज चुका है 7 और हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत अच्छी जगह पे, जो कि मैंने पहले से सोच रखा था कि जब मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बनाऊंगा तो आप लोगों को वहाँ पे लेके चलूँगा। तो काफ़ी टाइम से यार मैं व्लॉग बनाने के लिए सोच भी रहा था, बट मेरे पास बहुत सारा सामान नहीं था व्लॉग बनाने का। तो मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें कलेक्ट करी हैं और अब जाके मेरे पास व्लॉग का सारा सामान आया है। सो अभी सुबह का तो 7 बज चुका है और हम रेडी होते हैं व्लॉग बनाने के लिए, और आप लोगों को सीधा लेके चलते हैं बाइक पे, और वहाँ से आप लोगों के साथ बातें करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। हसबुनल्लाह व निअमल वकील। फाइनली गाइज, हम लोग बाइक पे आ चुके हैं और हमने अपनी राइड शुरू कर दी है। तो हम बात करने वाले थे मेरे फर्स्ट व्लॉग के बारे में, कि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग कैसा होगा और कहाँ का होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ ना कि बहुत टाइम से ही तो मैं पहले तो व्लॉगिंग करने का सोच रहा था, बट नहीं कर पा रहा था किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि मेरे पास इसका बहुत सारा सामान नहीं था। तो अब जाके मेरे पास गोप्रो की सारी एसेसरीज प्रॉपर तरीके से आ गई है। तो मैंने आज से ही मेरा व्लॉग शुरू कर दिया है और आपको डेली व्लॉगिंग करूँगा, डेली आप तक वीडियोज़ पहुँचाऊँगा और आप लोगों को नई नई जगह पे ले जाके उसको एक्सप्लोर करूँगा। तो फ़िलहाल तो मैंने एक डेस्टिनेशन सोच रखी है, काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, लोग जाते भी हैं, अच्छी जगह है। अरे भाई, इनको क्या हो गया सुबह सुबह। तो वहीं पे मैं भी जा रहा हूँ और आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। गाइस, फाइनली हम लोगों ने थोड़ा रास्ता कवर कर लिया है। तो मैंने ना अभी व्लॉग को ऑफ़ कर दिया था थोड़ा सा, ताकि थोड़ा रास्ता कवर कर सकूं। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सुधांशु आश्रम जी की रोड पे। तो ये रोड सीधा मुझे आश्रम लेके जाएगा और इसी पे मुझे कंटिन्यू करते रहना है। और अभी यार एक मेरे साथ एक्सीडेंट होते हुए बच गया। एक्चुअली इधर साइड से एक ट्रक आ रहा था और उसी बात से एक वैन वाला आ रहा था, मैंने उसको पास दिया बट उसने अपनी बाइक साइड सॉरी अपनी वैन साइड नहीं करी। तो खैर, मैंने संभाल लिया किसी तरह से। तो थोड़ा सा सेफ होके भी आपको चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपके सामने कौन बेवकूफ़ गाड़ी चला रहा है, तो उनसे भी बच के आपको चलना होता है। तो आपको एक बात का बहुत एहतियात रखना पड़ेगा कि आपको बहुत सेफ राइड करनी पड़ेगी, बहुत ही बाइक को संभाल के चलाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक्चुअली इधर खाली रोड की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। अरे भाई, ओ भाई का रोला है, वेन्यू में हूटर लगा रखे है भाई। ये देखिए इस बेवकूफ़ को। ऐसे ऐसे छछुंदर लोग मिलते हैं गाइस, तो इनसे बहुत बच के रहना पड़ता है। ये खुद के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और दूसरों के लिए भी। खैर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं था तो बाइक संभाल ली, बट अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में होता तो शायद बाइक नहीं संभाल पाती, क्योंकि उसको मेरे आगे से ना टर्न लेके मेरे पीछे से टर्न लेना चाहिए था। हो सकता हो भाई अपना रोला दिखा रहा हो कि मेरे पास स्कूटर वाला वेन्यू है। खैर कोई बात नहीं, शायद यही है सुधांशु आश्रम दोस्तों। यस ऑफकोर्स यही है। और गाइज, हम लोग सुधांशु जी के आश्रम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग अपनी बाइक यहीं साइड में खड़ी कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ चलते हैं। यार मुझे तो देखने में ये भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इन लोगों ने यहाँ भी बना दिया है, जो कि इस तरह का नहीं था। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, सुधांशु जी के आश्रम आ चुके हैं और दिखा दूँ तो मैंने अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है और चलते हैं सीधा ले कर आपको आश्रम के अंदर, जो कि काफ़ी खूबसूरत मुझे देखने में लग रहा है और काफ़ी यहाँ पे सुकून है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं हैं तो बेहतर लग रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास मेरा टैंक बैग है, तो इसमें मेरी गोप्रो की एसेसरीज है, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। वाह गाइस, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैमरा टर्न करके। एक बार आप लोग जगह का व्यू देखिए, ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितनी अच्छी और खूबसूरत जगह बनी है। और पहले से तो मुझे बहुत चेंज लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशियस जगह है, बहुत अच्छा टेंपल लग रहा है मुझे और काफ़ी बड़ा टेंपल है। तो इसी के साथ आपको आगे लेके चलते हैं दोस्तों, और यहाँ के थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे, और यहाँ के बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेशियस जगह है, कितना
ज़्यादा बड़ी जगह है और मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आ रही है यहाँ पे आके, क्योंकि कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा, आप आओ इन्जॉय करो, जगह को देखो और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए जो मेरे पीछे ये झाड़ है, इसको वृंदावन वाटिका का नाम दिया हुआ है और अभी इसमें गुलाब लगे हैं, बट अभी तो फ़िलहाल इसमें गुलाब नहीं है और पहले से तो मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं इसमें। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये सब कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल मैदान हो रखा था, बट अभी ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा पहले से देखने में लग रहा है। जी क्यों सर? ओह तो ठीक है, बंद कर देते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है।